दोस्तों आज मैं आपको सुई के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। सुई को हम किस तरह से चेंज करें या किस किस नंबर की निडल आती हैं मशीन की। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल सिंपल वाली जो मशीन सिलाई मशीन होती है वही है, और यहाँ पर जो मैंने सुई का पैकेट आपको दिखा रही हूँ इसमें ज़्यादातर सभी नंबर की सुई दी हुई हैं। 11 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 और 21 नंबर। 16 नंबर की सुई ऐसी सुई होती है दोस्तों जो कि ज़्यादातर सभी कपड़ों में काम में आ जाती है। 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल आप नेट के कपड़े में, हौजरी के कपड़े में करें, क्योंकि वो कपड़ों में यदि हम थोड़ी मोटी सुई लगाते हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं। दो तरह के स्क्रू ड्राइवर लिए हैं जिससे कि मैं सुई लगाने वाले स्क्रू को खोलूँगी। तो आपको 11 नंबर की सुई बता दी, नेट के कपड़े में, वेलवेट के कपड़े में, हौजरी के कपड़े में आप लगाएं। 14 नंबर की जो सुई होती है दोस्तों उसे थोड़े से मोटे कपड़े पर लगाएं, जैसे कि हमारा कुर्ता सलवार इनका कपड़ा होता है उसमें लगाएं। 16 नंबर की सुई आप सभी में लगा सकते हैं। 18 नंबर की सुई को आपको लगाना है जींस पर, जैसे कि जो मोटे कपड़े होते हैं हमारे पैंट के, जींस के, उसके सिलाई के लिए, जींस का आप बैक सिलते हैं उसमें आप 18 नंबर की सुई लगाएं। 21 नंबर की सुई का यूज़ आप बिल्कुल जैसे कि लेदर के बैग होते हैं, बहुत ही मोटे कपड़े होते हैं, जूट के कपड़े होते हैं उसमें करें। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने सुई वाले स्क्रू को खोल लिया है और पुरानी सुई को निकाल लिया है, क्योंकि आज मैं दूसरी सुई का इस्तेमाल कर रही हूं। तो जिस भी नंबर की आपको सुई लगाना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को खोल लें। ये देखें सुई का जो चपटा हिस्सा है दोस्तों आपको बहुत ही क्लियर दिखा रही हूं, चपटे हिस्से को आपको रखना है अपनी तरफ, जैसे कि यह मशीन का अंदर का भाग है दोस्तों उसकी तरफ रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए मेरे राइट हैंड की तरफ को मैं बोल रही हूं, सुई के अंदर चपटा भाग आपको रखना है, और जो गोल हिस्सा है दोस्तों उसे बाहर की तरफ रखना है। जैसे ये देखें बहुत अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा स्क्रू था उसे मैंने सुई के ऊपर ले गई हूँ, और सुई का चपटा हिस्सा मैंने अपने राइट हैंड की तरफ रखा है और जो गोल हिस्सा है उसे मशीन के बाहर की तरफ रखा है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो स्क्रू ड्राइवर दिया है इसकी मदद से इस स्क्रू को टाइट करना है ताकि जो निडल है वो अपने निडल होल्डर में अच्छी तरह से फिट हो जाए और टूटे भी ना और निकल कर गिरे भी ना। तो स्क्रू को एक बार मैंने चेक कर लिया, बढ़िया दबा लिया है दोस्तों, अब एकदम अच्छी तरह से हमारी सुई अच्छी तरह से फिट हो चुकी। अब हम इस सुई में धागा डालेंगे। यदि आप धागा डाल सकते हैं तब तो आप आसानी से डाल देंगे, परंतु मुझे कई बार धागा डालने में परेशानी होती, तो यहाँ पर मैंने लिया है निडल होल्डर। ये देखिए निडल थ्रेडनर बोलते हैं दोस्तों, तो ये क्या करता है, धागा डालने का काम करता है। तो बस इतना बारीक इसमें तार होता है कि सुई के छेद में आसानी से चला जाता है, और इसका तार आप देख रहे हैं, इस तार में मैंने काले रंग का धागा डाला और इस थ्रेडनर को अपनी तरफ आप खींच लें। तो अब हमारे सुई के छेद में धागा चला गया है। यदि आपको चश्मा लगा के डालते बनता तब तो बहुत ही अच्छा है। और बस अब मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जानबूझ के सफ़ेद कलर का कपड़ा लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सिलाई करके दिखा सकूँ काले धागे पर, ताकि आपको इसके टांके बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे दें। बस और अब हमें इसे चलाते जाना है। ये देखें कितनी अच्छी सिलाई आ रही है, टांके भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम सुई को बिल्कुल सही ढंग से फिट करते हैं तो हमारे टांकों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। यदि सुई ढंग से फिट नहीं होती, आप देखिए बिल्कुल मोती के जैसे पिरोए हुए हमारे टांके हैं, बिल्कुल कसे हुए, ये सिलाई जल्दी खुलती भी नहीं है, दिखने में भी सुंदर लगती है। तो दोस्तों आप भी अलग अलग नंबर की सुई मार्केट से लेकर आएँ, और कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से, कपड़ों के टेक्स्चर के हिसाब से सुई को बदलना बिल्कुल ना भूलें। वैसे भी हमारे पास 2-3 एक्स्ट्रा होना चाहिए, कभी सुई की नोक टूट जाती है तो तुरंत ही हम दूसरी सुई उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों सुई से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा लाइक दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।